नए साल में सब कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन शाह परिवार और कपाड़िया फैमिली की जो लड़ाई है दोस्तों, वो आपको हमेशा से ही पुरानी देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा मिश्रा और बात करेंगे स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आप सभी को क्या कुछ देखने को मिलेगा। वेल, यहाँ पर आप देखेंगे भाई, जितने कपल्स हैं हर किसी की जिंदगी जो है बिल्कुल बिखर पड़ी है, चाहे वो बाप बापू जी हो, अनुज अनुपमा हो, वनराज काव्या हो, या फिर अंकुश बरखा, या फिर आप सभी के फेवरेट किंजल और पारितोष। हर किसी की जिंदगी में जो है इस वक्त उथल पुथल चल रहा है, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि अनुज अभी लड़ाई झगड़ों से इतना परेशान हो चुका है कि वो वनराज के सामने, पूरे परिवार के सामने अनुपमा से हाथ जोड़कर बोलता है कि अनुपमा बस करो, तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ नहीं देखना पड़ रहा है। जिस छोटी को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, आज इस न्यू ईयर पे वो मेरे साथ नहीं है, तुम्हें पता भी है मेरे दिल पर क्या बीत रही है, और ऐसा न्यू ईयर मैं आज के बाद अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहता हूँ। सभी के घरों में शोर शराबा है तो सिर्फ और सिर्फ खुशी का, जश्न का, लेकिन हमारे घर में जो शोर है वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और झगड़े का है। कोई खुशी नहीं है कि भाई नया साल आ रहा है, नए साल को नई तरह से मनाएंगे, नए जश्न को मनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो पुरानी चीजें जो है खत्म होने का नाम नहीं लेती है। जहां पर हमें एक एक करके हर किसी की जिंदगी के जो है बवाल देखने को मिलते हैं। अनुज अनुपमा से परेशान है कि वो कहता है कि हमारे बीच में इतनी उदासी कहां से आ गई, क्या तुम मेरी बात सुन भी सकती हो, क्या हमारे बीच की जो ये दूरियां है वो मिटा सकती हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं और छोटी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो बरखा और अंकुश है, यहाँ पर बरखा चाहती है कि अंकुश जो है बड़े बड़े लोगों से मिले, अच्छा खासा उसका बॉन्ड लोगों से बन जाए, ताकि वो भी आगे जाकर ग्रोथ कर सके। लेकिन जो बरखा का अंकुश है वो भाई बरखा को समझता नहीं है और कहता है कि मुझे सिर्फ पीने से मतलब है, तुमने आज तक मेरा साथ कभी दिया नहीं है, और अगर मैं नाकामयाब हूँ भी, नाकारा हूँ भी, तो इसमें तुम्हें क्या है, तुमने तो बस मुझे हमेशा के लिए ताने ही मारे हैं। जहां आगे हमें देखने को मिलता है कि यही हाल किंजल और पारितोष का है। किंजल से पारितोष कहता है कि चलो भाई न्यू ईयर जो है शुरू होने वाला है, हम लोग चलकर पार्टी करते हैं, लेकिन किंजल जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुमने जो गलतियां की है उसके बाद तो हम लोग कपल है ही नहीं, और तुम्हें क्या लगता है कि इस माहौल में मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाना पसंद करूंगी। और भाई पारितोष जो है उसका पारा और हाई हो जाता है और कहता है कि बस करो, तुम मेरी एक गलती को कितनी बार दोहराओगी, माना कि मैंने एक गलती की, उसके लिए मैं तुमसे माफी भी तो मांगता हूँ। लेकिन किंजल कहती है कि मैं माफ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पारितोष मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है। और बापूजी और बा का भी यही हाल है, वनराज और काव्या का भी यही हाल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या नए साल पर इनकी जिंदगी में नई खुशी आएंगी, या फिर सब लोग इसी तरह से बिखरे हुए रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये ट्रैक कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़े तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।